नॉलेज नहीं। सो सुन लिया, सो स्टार्ट नाउ। दोस्तों रोमन रेंस के पास जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है W, वो आगे जाके रेड कब होने वाली है। दोस्तों यही टॉपिक आज हम हमारे वीडियो में कवर करने वाले, और दोस्तों दिल थाम के बैठे ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस रेसलिंग से ही भरे तोड़ फोड़ और गाइस टचिंग वीडियो और गाइस नॉलेज भरे वीडियो में मेरे गाइस चैनल पे डालता हूँ। दोस्तों चले दोस्तों सीधा मुद्दे के बात पे आते। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है वो रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रे वाइट ने सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल में हरा के रॉ से स्मैकडाउन ले गए, यानी क्या हुआ, रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्लू हो गई। कहने का कारण क्या है गाइस, क्योंकि गाइस रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्लू हो गई, वो चैंपियनशिप फिर से रेड कैसे होगी, मतलब कि वो उसके ही कलर में फिर से कब आएगी। तो दोस्तों मैंने इस पर काफी सर्च और रिसर्च किया, तो दोस्तों यही पता चल रहा है कि गाइस जो है ना हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, उसके कंधे पे टाइटल का कलर कौन सा है, ब्लू। तो दोस्तों वो रॉ में कब चली जाएगी, तो दोस्तों दो रीजन है उसके पीछे। तो दोस्तों वो रीजन है, नंबर वन रीजन है गाइस, क्या आपको पता है जब फ्री एजेंट होता है ना गाइस, देखो अभी फ्री एजेंट है हमारे ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हराया और दोस्तों ब्रॉक लेसनर जीत गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस वो फ्री एजेंट है, वो कहां पे भी टाइटल ले जा सकता है, या फिर स्मैकडाउन में भी ले जा सकता है और फिर रॉ में। तो दोस्तों रॉ में वो टाइटल आया तो उसको कलर कौन सा होगा, ब्लू हो सकता है क्या उसका कलर, तो नहीं, उसका कलर वन एंड ओनली कौन सा होगा, रेड। दोस्तों यही एक तरीका है जो ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप में कन्वर्ट कर। नंबर टू का जो तरीका है ना गाइस, वो काफी ऑसम है। देखिए दोस्तों आप ड्रू मैकइंटायर कौन से ब्रांड में, स्मैकडाउन में, और उनकी अगले साल यानी रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप में मैच गए और वो जीत गए यूनिवर्सल चैंपियनशिप गाइस, तो उनका ड्रॉप हो सकता है रॉ में। तो गाइस रॉ में ब्लू चैंपियनशिप तो नहीं चल सकती, तो रेड कलर फिर से आ सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। तो गाइस यही दूसरा फंडा है जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्लू से रेड कर सकता है। तो दोस्तों यही दो तरीके थे मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेड होनी चाहिए फिर नहीं। और गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ जल्दी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।